हेलो, गुड म�मॉर्निंग दोस्तों। 17 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल में एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, आज जो आर्टिकल आए हैं उनमें एक्चुअली दो तीन पॉइंट बताता हूँ कि एक तो ये आर्टिकल यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश के बारे में है कि आंध्र प्रदेश की जो पार्टी थी TDP, उसने एक्चुअली बीजेपी के साथ जो अलायंस बनाया था उससे हटने की बात की है। तो पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, हमारे लिए कोई भी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम इसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में बात आती है इस आर्टिकल की। सेकंड जो यहाँ पे बड़ा आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक्चुअली यूके और रशिया के बारे में है। इस आर्टिकल में मैंने ये बताया गया है कि भाई यूके और रशिया है, उन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई है। अब क्यों क्रिएट हुई है, उसका रीज़न ऐसा बताया गया है कि देखो, ऐसा आरोप लग रहा है रशिया के ऊपर कि उसके जो जासूस थे ना, उनको एक्चुअली यूके के अंदर जाके मार दिया गया, तो उसका सारा आरोप लगा है। तो इस आर्टिकल के आपको वैसे नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज जो आर्टिकल है नोट्स बनाने लायक वो एक ही आर्टिकल है, वो यहाँ पे टीवी के बारे में है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसके आप नोट्स से बिल्कुल बना सकते हो। और यहाँ पे ये जो साइड वाला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक्चुअली रशिया के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट है वो डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ काम का नहीं, तो इसे भी हम डिस्कस है वो नहीं करने वाले हैं। तो चलिए अब डिस्कशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जो यूएसए और यूएसए के इलेक्शन और रशिया के बारे में आर्टिकल है उसके देखते हैं। देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई जो ट्रंप के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप ने जब इलेक्शन जीते थे उस टाइम पे रशिया का सपोर्ट लिया था, तो बार बार ट्रंप इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो रशिया के साथ नहीं है और रशिया के साथ सॉफ्ट पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो राइटर का यहाँ पे ऐसा कहना है कि ट्रंप के ऊपर जो बार बार ऐसे आरोप लग रहे हैं ना, वो आरोप कहीं ना कहीं गलत, एक तरीके से आरोप कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो सकते हैं यूएसए के लिए। क्यों गलत साबित हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखो, इसलिए ट्रंप ने दो तीन ऐसे स्टेप भी उठाए हैं जिनके द्वारा उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है कि भाई वो रशिया के साथ या रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ऐसे आरोप लगे थे स्टार्टिंग में कि रशिया ने ही उनको इलेक्शन में जिताया था। अब देखो, जैसे एक तो उन्होंने रिसेंटली जो अपने विदेश मंत्री थे ट्रंप के, रेक्स टेलरसन, इनको उन्होंने भी हटा दिया था। क्यों उन्होंने इसको हटाया, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा कहा जाता था कि रेक्स टेलरसन थे वो एक्चुअली रशिया को सपोर्ट करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा हटाया है। बट इसके बाद कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई रेक्स टेलरसन को इसलिए हटाया है ट्रंप ने क्योंकि रेक्स टेलरसन आजकल रशिया का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मतलब घूम फिर के बात यह कि आजकल ट्रंप को बार बार भी इस चीज़ का मुद्दा बनाया जा रहा है कि वो रशिया के साथ है, रशिया को फेवर करते हैं। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, बार बार ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। पहली बात तो है कि एक तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, मतलब यूएसए की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे इसी तरीके का माहौल रहेगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कम हो पाएगा, क्योंकि ट्रंप बार बार इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो रशिया के साथ नहीं है। और अगर बार बार वो इसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपना ध्यान और डेवलपमेंट की तरफ नहीं लगा पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं यूएसए के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में बात ऐसी है कि रशिया ने हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन बताई हो ट्रंप को इलेक्शन जीतने वगैरह में, तो बट उसका अभी तक कोई डायरेक्टली प्रूफ तो नहीं आया ना। तो जब तक प्रूफ नहीं आता तब तक इसी पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उनको डेवलपमेंट की तरफ फोकस है, वो करना चाहिए। वही बात की जाती है कि डेवलपमेंट के जैसे मुद्दे हैं वो अभी नीचे आ जाएंगे, तो वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद में एक बड़ी बात यह आ सकती है कि देखो, फ्यूचर में अभी आपको पता है कि यूएसए और रशिया के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अगर इसी तरीके का माहौल बना रहा तो कोल्ड वार की जो सिचुएशन है वो आ जाएगी। और मतलब ये हो जाएगा कि यूएसए और रशिया के बीच में टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे और ज़्यादा खतरा हो जाएगा और पूरे विश्व को दिक्कत है वो आ सकती है। देखो, इससे एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बार बार ट्रंप पे ऐसे आरोप लग रहे हैं ना, इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि इन केस ऑफ फ्यूचर अगर फ्यूचर में कभी भी यूएसए को अगर रशिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करने होंगे तो फिर ट्रंप उसके साथ रिलेशन इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी कि भाई मेरे को तो इंप्रूव करना है कि मेरे रशिया के साथ रिलेशन कोई है नहीं, कोई लिंक नहीं है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के लिए भी ठीक नहीं है, अदरवाइज फ्यूचर में कोई भी मौका है रशिया के साथ बातचीत करने का, वो सारा मौका खो दिया जाएगा। और ट्रंप को एक्चुअली मौका देना चाहिए ताकि वो के साथ रिलेशन है वो इंप्रूव कर सकें, क्योंकि देखो, अगर रशिया और यूएसए के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो सभी कंट्रीज के लिए अच्छी बात है, और इवन यूएसए के लिए भी अच्छी बात है और रशिया के लिए भी, क्योंकि पूरे विश्व में शांति रहेगी तो ओबियसली शांति कौन सी कंट्री वो नहीं चाहती। तो मतलब ये बात की जा रही है कि ट्रंप को मौका देना चाहिए एक बार, ताकि वो रशिया के साथ रिलेशन है उनको इंप्रूव कर सकें। तो ये सारा आर्टिकल के दो तीन पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, बेसिकली कुछ खास था नहीं इस आर्टिकल में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आया है टीबी के बारे में। तो इसमें मैंने टीबी के रीजंस वगैरह दिए गए कि टीबी क्यों होता है, और इंडिया के बारे में थोड़ा डाटा वगैरह वो दिया गया है। तो इस आर्टिकल की स्टार्टिंग है वो करते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़े आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े कुछ ऐसे बयान कर रहे हैं कि भाई जो 1 लाख की पॉपुलेशन है पूरी इंडिया में, एक काउंट एक तरीके से रेशियो बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों के अंदर इंडिया में 200 से 300 लोगों का टीबी है। एग्जैक्टली आंकड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स वगैरह गवर्नमेंट के पास होते नहीं है। तो ये आंकड़ा है मोटा मोटा कि 200 से 300 लोग हैं पर लाख में वो लोग टीबी से पीड़ित हैं इंडिया में। और अगर वहीं ये आंकड़ा देखा जाए यूएस और यूके से डेवलप कंट्री में, तो वहाँ पर लाख लोगों में से केवल 5 लोग हैं वो टीबी से पीड़ित हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गैप आ रहा है इंडिया और यूएसए जैसी कंट्रीज़ के बीच में। तो मतलब इंडिया में टीबी वो गंभीर समस्या बन सकती है।
अब देखो कोई बीमारी है ना, आप उसको हेल्थ के नजरिए से मत देखो, वो कोई भी बीमारी अगर वो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में या पूरे क्षेत्र में अगर अपना दबदबा बढ़ा रही है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो डेवलपमेंट के रास्ते में बाधा बन जाती है। बाधा किस तरीके से बनती है, देखो कोई भी इंप्लॉय है अगर उसको टीबी वगैरह हो गया तो उसको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट वगैरह चाहिएगा, तो वो ट्रीटमेंट चाहिएगा तो उसको एक तरीके से लीव वगैरह छुट्टी वगैरह लेनी होगी, तो अगर वो छुट्टी वगैरह लगे तो ऑब्वियसली काम वगैरह में भी काफी दिक्कत आएगी ना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी से वो चीज़ें भी कनेक्ट होती हैं, तो जो भी अगर गंभीर बीमारी बन जाती है तो वो पूरे विश्व के लिए या पूरी इकोनॉमी के लिए सरदर्द वो बन जाती है। इसके बाद में थोड़ा आंकड़ा इस प्रकार आता है कि इंडिया के अंदर देखा जाए तो टीबी के अप्रोक्सीमेट 28 लाख के आसपास पेशेंट है, और देखा जाए तो ये 28 लाख पे जो 28 लाख जो पेशेंट है टीबी के, ये अप्रोक्सीमेट पूरे वर्ल्ड में से 27% टीबी के पॉपुलेशन को कंट्रोल मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पूरे विश्व में जितने टीबी के पेशेंट हैं उनमें से 27% जो टीबी के पेशेंट है वो अकेले इंडिया में ही है, जबकि आपको पता है कि इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड की केवल 18% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक साइड तो हम केवल 18% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहीं देखा जाए तो टीबी को हम अकेले 27% है वो रिप्रेजेंट करें, तो मतलब हमारे देश में टीबी है वो बहुत बड़ी समस्या है वो बनते हुए जा रहा है। इसके बाद में बात आती है, थोड़े और आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार आ रहे हैं कि हमारे देश में 1200 लोगों की डेथ होती है पर डे टीबी की वजह से। तो ये आंकड़े भी मतलब एक मिनट में अप्रोक्सीमेट 2 से 3 लोगों की जाने वो जा रही हैं, और एक तरीके से ये कहा जाता है कि इंडिया है वो टीबी की कैपिटल बनते हुए जा रहा है, कई बार तो टीबी ऑफ कैपिटल भी इंडिया को कहा जाता है। तो मतलब देखो इन 2-3 आंकड़ों से आपको एक चीज़ समझ में तो आ गई है कि इंडिया में टीबी है वो कोई छोटे लेवल पर तो फैल नहीं रही है, बहुत लार्ज लेवल पर टीबी है वो फैलती जा रही है, और गवर्नमेंट को कुछ कड़े स्टेप या स्ट्रॉन्ग स्टेप वो उठाने होंगे तभी इस चीज़ का समाधान है वो हो सकता है। अब देखो हमें एक लार्ज लेवल पे जो स्केल है वो तो स्टेप है वो तो उठाने होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं गवर्नमेंट ने पहले स्टेप क्या क्या उठाए अभी तक। देखो गवर्नमेंट सबसे पहले लेके आई थी नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP 1971 में। इसके तहत गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई जहाँ जहाँ टीबी हो रही है तो उसको टीबी को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट लेके। इसके बाद में इससे कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो गवर्नमेंट लेके आई रिवाइव्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ये लेके आई 1997 में, मतलब 1997 में इस प्रोग्राम को लेके आई। बट राइटर ये कह रहा है कि जो ये रिवाइव नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लेके आई थी गवर्नमेंट, इस प्रोग्राम में भी कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी गवर्नमेंट है वो मेडिसिन पे फोकस करे कि लोगों को मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि टीबी हो क्यों रही है, इसको मतलब एक तरह से जो स्टार्टिंग की रूट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश गवर्नमेंट नहीं करी है। अब देखो बात ऐसी कि टीबी ऐसा नहीं है कि उनकी छोटे मोटे एरिया को इफेक्ट करती है, स्टार्टिंग में टीबी है वो लंग्स को इफेक्ट करती है, उसके बाद में धीरे धीरे ब्रेन को भी, ब्रेन की जो क्षमता है उसको भी नुकसान पहुंचाती है, धीरे धीरे फिर लीवर का इफेक्ट है वो भी आता है, इसके साथ किडनी भी, इसका जॉइंट पेन और इसके साथ जो बोन वगैरह है उसमें भी दिक्कत है वो आने लगती है, मतलब बोन में भी जो एक्चुअली बोन मेरू वगैरह होता है उसमें काफ़ी दिक्कत आने शुरू हो जाती है। तो राइटर यहाँ पे एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीबी से ऐसा नहीं कि केवल एक ही डिजीज होती है, टीबी से फिर धीरे धीरे क्या कि एक इंसान है वो बीमारियों का घर बन जाता है, मतलब सारी बीमारियां धीरे धीरे होना उसमें शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो इंडिया में आती है कि डायग्नोस्टिक का इशू है कि जो चीज़ें हैं जो भी बीमारी हो जाती है उसको डायग्नोस नहीं किया जाता। जैसे कि आप हमारी डेली लाइफ में भी देख सकते हो, अगर किसी को नॉर्मल जुकाम वगैरह होता है तो उस कंडीशन में क्या है, अरे यार कोई बात नहीं ठीक है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, चलने दे कोई बात नहीं मौसम चल रहा है, ये नहीं देखते कि भाई हमें चेकअप वगैरह करवा लेना चाहिए, क्योंकि टीबी स्टार्टिंग में इसी स्टेज से फैलता है और हमें पता नहीं चलता है। देखो टीबी है वो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में कोई टीबी हो गया फिर आपको रिजल्ट मतलब पता लक्षण वगैरह आ जाएंगे, टीबी की बात तो ऐसा है कि 5-5, 10-10 साल बाद पता चलता है कि भाई इस इंसान को टीबी हो रखा था। और स्टार्टिंग के लेवल पे अगर टीबी का ट्रीटमेंट करवाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस का तो काफ़ी आसान होता है, बट उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है वो हो जाता है और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट भी चलता है। और इंडिया में काफ़ी सारे रीजन्स हैं कि जिसकी वजह से टीबी फैलता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से टीबी फैलता है। सबसे पहली बात आती है एक बैक्टीरिया की वजह से टीबी फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से फैलता है, मतलब ये एक बैक्टीरिया है वो जितनी डिजीज है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी होता क्या है, देखो इसमें 2 फेज होती है मेनली। सबसे पहली जो फर्स्ट फेज होती है ना इसको बोलते हैं लेटेंट टीबी में क्या होता है, जो भी टीबी का जो बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है किसी भी तरीके से, अगर वो एक बार से खाने के थ्रू या फिर हमारे सांस लेने से अगर हमारी बॉडी में एंटर किया तो स्टार्टिंग में क्या वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, मतलब वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ रहा उस टाइम पे केवल बॉडी में घुस गए और एक डोरमेंट कंडीशन में फैल जाता है। डोरमेंट कंडीशन का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे फैलता है, जैसे कि स्टार्टिंग में मुंह में घुस गया फिर मुंह से धीरे धीरे लंग्स में पहुंच जाएगा फिर बाकी एरिया में धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो मतलब ऐसे धीरे 1 से 2 हो जाएंगे फिर 2 से धीरे धीरे 4 हो जाएंगे, तो मतलब धीरे धीरे 3-4 साल में धीरे धीरे अपना इफेक्ट है वो करना शुरू करता है। और जब वो एक्टिव स्टेज में आता है टीबी तब हमें लक्षण का पता चलता है कि अब हमारे में टीबी है वो हो गया है। इस कंडीशन में जो एक्टिव स्टेज की टीबी होती है सेकेंड स्टेज वाली, इस टीबी में क्या होता है कि हमें संक्रामक कंडीशन हो जाती है, मतलब हमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, जैसे किसी घर में किसी एक इंसान को टीबी है तो दूसरे में फैलने के चांसेस होते हैं। जो फर्स्ट फेज होती है इसमें टीबी
एक दूसरे से फैलता नहीं है, इसमें केवल वायरस बॉडी में इंटर करता है। जो सेकंड स्टेज जो एक्टिव टीबी होते हैं, इसमें ही केवल वायरस है वो संक्रमण की स्टेज में पहुंचता है और एक से दूसरे में ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है, जिसके खांसने से, थूकने से, या फिर कोई और भी हम जैसे कि पानी पी रहे हैं या फिर हमने इधर उधर गंदी वंदी चीज़ें खा ली, तो उन सबसे। देखो मेनली जो डिजीज है वो सबसे ज़्यादा इसी से होती है कि हम हेल्थ की चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, हम सफाई के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि टीबी में क्या कि हमारी बॉडी से बलगम वगैरह, कफ वगैरह हम थूकते हैं कहीं भी, तो उसको हम ढकते नहीं है, या फिर उसको खांसते हुए प्रॉपर चेहरे पे रुमाल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो ये समस्या और ज़्यादा गंभीर है वो हो जाती है। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों से ये फैलता रहता है। अब स्टार्टिंग में जो डोरमेंट कंडीशन होती है ना, कि जिस कंडीशन में केवल टीबी का जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम एक टेस्ट होता है, वो होता है ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट। इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी में टीबी हो रहा है नहीं हो रहा। इसके बाद में बात आती है कंट्रोल की, भाई कंट्रोल कैसे करना है। देखो कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को एक तो हर लेवल पे स्टेप उठाने होंगे। हर लेवल का मतलब यहाँ पे कि स्कूल, हॉस्पिटल हो गए, उन कॉलेज की बात भी आती है, पब्लिक प्लेसेस की बात आती है। और सबसे ज़्यादा जो डिजीज फैलती है मेनली पब्लिक प्लेसेस पे फैलती है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग इधर उधर थूक देते हैं बिना डस्टबिन के, बिना वो सोचे समझे, और चीज़ों को ढकते वगैरह नहीं, खाने की चीज़ें भी काफ़ी दूषित होती है, तो वहाँ से भी जो बैक्टीरिया वो इधर से उधर संक्रमण की कंडीशन में फैलता रहता है। तो हमें एक तो हर स्टेप पे स्टेप हर जगह पे मतलब स्टेप उठाने होंगे। और सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है अवेयरनेस की, कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना होगा कि भाई देखो आप टीबी के बारे में मतलब इतने ढीले ढाले रहोगे मत अपनाओ। आपको टीबी हो गए तो आप सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। देखो टीबी के ट्रीटमेंट में एक ये प्रक्रिया होती है कि जब जो ही मेडिसिन लेना लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या कि 15-20 दिन में थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, तो इंसान को ऐसे लगता है कि मैं तो ठीक हो गया। जबकि डॉक्टर उसको बोलता है कि भैया आपका 2 या 3 महीने का कोर्स है, तो लोग सोचते हैं कि यार क्यों 2-3 महीने फालतू में मेडिसिन लेके अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, और हम इतनी मेडिसिन ले लेते हैं रहने देते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, स्टार्टिंग में केवल हमें लगता है कि टीबी खत्म हो गई, उस टाइम पे टीबी खत्म नहीं होता है। उस टाइम पे भी 20-30% जो बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी में रहते हैं, और जो ही हम मेडिसिन खत्म करते हैं वो बैक्टीरिया वापस धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो भी मेडिसिन हमने ली थी उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस या एक प्रतिरोध बना लेते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में अब हम वो मेडिसिन वापस लेंगे तो उसका उन बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और उस कंडीशन में बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर वो बन जाता है एंटी जो रेजिस्टेंस वो बन जाता है प्रतिरोध बन जाता है मतलब। और जो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस बन जाता है वो कहीं नहीं कहीं बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में जो मेडिसिन हम ले रहे थे टीबी के लिए उससे उसके अगेंस्ट अगर प्रतिरोध बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मेडिसिन अब टीबी के लिए काम नहीं करेगी। मतलब हमें कोई हैवी डोज है वो लेना होगा। और अगर आप खुद जानते हो बेसिक ये चीज़ को कि अगर कोई भी हैवी डोज हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा इनडायरेक्टली फॉर्म में, मतलब हमें कहीं ना कहीं कोई ना उस चीज़ का साइड इफेक्ट वगैरह होना शुरू हो जाएगा। तो वही बात की जाती है कि टीबी को स्टार्टिंग में जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, और लक्षण का स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है ना, इसलिए हमें डायग्नोस्टिक प्रॉपर ढंग से करवाना चाहिए। जैसे कि हमें कई बार काफी महीने भर तक कोई खांसी चल रही है, कोल्ड वगैरह कुछ भी ऐसा लक्षण दिख रहा है कि अभी हमें टीबी कुछ हो सकता है, तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो डायग्नोस्टिक होती है वो करवा लेनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इसके बाद में देखो थोड़ा डाटा ये पेश किया गया है कि हमारे देश में जो 30% ट्रीटमेंट है टीबी का वो तो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और जो 70% जो लोग ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्योंकि देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि जल्दी वो एक्चुअली क्या कि हैवी मेडिसिन वगैरह देते हैं अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी के, तो इसकी वजह से क्या कि जल्दी आराम आ जाता है, तो लोग ये चाहते हैं कि यार चलो पैसे लग रहे हैं थोड़ा आराम हो जल्दी आ जाए। तो गवर्नमेंट क्या कि नॉर्मल मेडिसिन प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट की जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा लंबा चलता है और सस्ती दवाइयाँ होती है, तो इसलिए लोग क्या कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कि चलो यार जल्दी आराम आ जाएगा, और इसलिए ज़्यादा खर्चा वो बढ़ता भी रहता है। तो देखो एक तो टीबी की वजह से लोगों का जो खर्चा है पॉकेट का वो भी बढ़ जाता है, तो इसलिए लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ ही फोकस करना चाहिए। इसके बाद में बात ये आती है कि गवर्नमेंट को यूनिवर्सल जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है उस पर फोकस करना चाहिए, और टीबी की जो जड़ से खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया है इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट में भी रखा गया है कि भाई 2030 से पहले पूरे वर्ल्ड में टीबी उसको खत्म करना है, तो उस भी तरफ गवर्नमेंट को स्टेप उठाने की जरूरत है। मतलब बहुत बड़े स्केल पर गवर्नमेंट को स्टेप उठाने होंगे। इसके बाद में बात आती है कि ट्रीटमेंट तो करना ही करना है लोगों का, इसके साथ साथ सोशल बिहेवियर है उसको भी चेंज करने की जरूरत है। जब तक हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे, लोगों का सोशल बिहेवियर वो चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। और रही बात जो टीबी के जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, प्रतिरोध बन जाता है, उसके लिए भी हमें जो मेडिसिन वगैरह है उनको एक तरीके से सिक्योर रखना होगा, और आगे फ्यूचर में इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि भैया मेडिसिन वगैरह प्रॉपर लें, और उसके बाद भी चेकअप वगैरह करवाते रहना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल टीबी के बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद में जो आर्टिकल था जो यूके और रशिया के बारे में जो हमने यहाँ पे कुछ खास पॉइंट है नहीं, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि इसमें रशिया के ऊपर आरोप लगे कि भाई रशिया ने जासूसी वगैरह किया, स्पाई का कुछ केस था, तो उसकी वजह से इश्यू ये था कि रशिया के कुछ 2 जासूस थे वो एक्चुअली यूके में बस गए थे जाके, और उन्होंने रशिया के लिए जासूसी करना बंद कर दिया था। तो अब हुआ क्या, रशिया ने उन जासूसों को मरवा दिया, ऐसा आरोप लग रहा है रशिया के ऊपर कि जो जासूस थे उनको एक्चुअली रशिया ने ही मरवाया। क्यों मरवाया, क्योंकि देखो जो भी जो 2 मारे गए हैं जासूस वो एक्चुअली उनकी बॉडी में एक केमिकल एजेंट पाया गया है जिसका नाम है
नोविचोक क्लास का, ये नोविचोक क्लास का जो एजेंट है ये एक्चुअली रशिया के द्वारा ही डेवलप किया गया था, तो इसलिए एक तरीके से संदेशा किया जाता जा रहा है कि भाई रशिया ने ही कुछ ऐसा काम है वो किया है, बाकी अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि पूरे माहौल वो गर्मा गया है, यूके और रशिया के बीच में टेंशन है वो पैदा हो गई है, और इसी के साथ ही यूएसए जर्मनी फ्रांस वगैरह ने भी यूके को सपोर्ट किया, तो ये सब कुछ कुछ काम का है नहीं। तो आप इसके नोट्स में तो जाना, केवल पहला आर्टिकल था वो काफी अच्छा था जो कि हम एग्जाम वगैरह में कहीं यूज कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल के आप नोट्स वो बना सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में तो इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।